आतिफ साहब, हाल ही में जो आपने अपने माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से जो दिल्ली माइनॉरिटी में सर्वे करवाया है, तो उसके मद्देनज़र आप लोगों का भी एक्शन प्लान क्या है? देखिए, ऐसा है कि हमने ये देखा है कि दिल्ली में 15 साल से एक कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद 1.5 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। दिल्ली का मुसलमान आज भी अपनी मूल समस्याओं से जूझ रहा है, और लोग तो चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शिक्षाओं की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का माइनॉरिटी कम्युनिटी तबका आज भी अपने रोजगार के लिए लड़ रहा है, आज भी अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा है। जिस आदमी का पेट खाली होता है, उस आदमी को और कुछ नहीं सूझता। हम शिक्षा की बात तो बाद में करेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने की बात तो बाद में करेंगे, पहले उनके रोजगार की समस्या है। हम दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली में आज, दिल्ली पहले एक फसीलमंद शहर तक वो थी, महदूद थी। आज दिल्ली ककरोला, कुरेणी, ओखला विहार, मीर विहार, ऐसी ऐसी जगह पहुंच गई है जहां पर हमारे तसव्वुर में भी नहीं था। पहले हम दिल्ली को एक लिमिटेड एरिया में मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज कम्युनिटी को डिवाइड करते थे, आज ग्रेटर क्लास में मुसलमान हैं, आज शालीमार बाग में मुसलमान हैं। दिल्ली में मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तकरीबन 15 लाख के आसपास माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग दिल्ली में रह रहे होंगे। लेकिन अगर वो ग्रेटर कैलाश में भी रह रहे हैं तो झुग्गी क्लस्टर में रह रहे हैं, वो सावित्री नगर में भी रह रहे हैं तो झुग्गी क्लस्टर में रह रहे हैं। तो उस रोजगार के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, हमारा जो सबसे पहला प्लान ये है कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई एक लीडर ऐसा आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और इस नारे को वास्तविक रूप में जमीन पे उतार दिया। आज जनधन योजना हो या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो या अटल पेंशन योजना हो, ये कुछ योजनाएं ऐसी योजना है कि अगर हमने ईमानदारी से इन योजनाओं को नीचे ले गए तो इसके हमको दो बड़े लाभ होने वाले हैं। ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमारी कम्युनिटी को है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए तक का लोन मिल रहा है। हमने ये योजना बनाई है कि ये जो 50,000 रुपए का लोन है, ये घरेलू कामगार खवातीन, औरतें जो घर में छोटे छोटे काम करती हैं, ताकि वो और लोगों का जो काम करती हैं वो अपना काम करने लगें। ऐसे लोग जो रिक्शा चला रहे हैं, ऐसे लोग जो चाय की दुकान, आप विश्वास करिए कि फल की रेड़ी लगाते हैं मुसलमान, और 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का फल लेते हैं तो वो लोन पे पैसे लेते हैं, एक इलाके के सेठ से, साहूकार से पैसे लेते हैं, 3,000 रुपए का फल शाम तक बेचते हैं 4,000 रुपए में, उसमें से 500 रुपए उसको दे देते हैं उठाकर। तो हम ऐसे लोगों को खुद पैरों पर खड़ा करने के लिए, कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपना रोजगार शुरू कर सके, मुद्रा योजना को बड़े पैमाने पर दिल्ली में लेके जाने वाले हैं। हमको इसका जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि सरकार पहली बार ऐसी सरकार बनी है जिसने दलाली सिस्टम खत्म कर दिया है। राजीव गांधी जी कहा करते थे कि ऊपर से 100 रुपए जाते हैं, नीचे तक 25 पैसे पहुंचते हैं। अब 100 रुपए आएंगे तो 100 के 100 आम आदमी के अकाउंट में पहुंचेंगे। तो ये किसके मद्देनजर सारी जो कोशिशें हैं, देखिए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव? हम एक मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं जो 10 सदस्यों की पार्टी से 11 करोड़ सदस्यों की पार्टी हो गई है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और हम अपने अतीत के गौरव से अनुप्रमाणित हैं, लेकिन किंतु हम उस लोगों उसको अपने जीवन का सर्वोच्च बिंदु नहीं मानते। हम लगातार अपनी पार्टी का विस्तार ऐसे क्षेत्रों में कर रहे हैं जहां पर हम कमजोर रहे हैं, चाहे वो केरला हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। दिल्ली में भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में ये सच्चाई है कि हम लोग कमजोर रहे हैं। अब हमने ये तय करा है कि हम प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के माध्यम से दिल्ली का अल्पसंख्यक वर्ग भी अपनी पार्टी से बड़ी तादाद में जोड़ेंगे, ताकि इसका लाभ हमको 2019 के लोकसभा चुनाव